कितना वीरान और कितना खाली पड़ा हुआ है, वह कोई चीज हुई नहीं है। पिछले साढ़े चार सात साल पांच साल के अंदर कोई आगे बढ़ा नहीं है, और जो हालत मेरे को देखने को हुई उससे मुझे बहुत दुख हुआ। आज करौली से होते हुए सबसे मिलते मिलाते बसेड़ी बाड़ी सरपत्रा होते हुए आप तक यहां पहुंचने का मौका मिला है। जगह जगह पे अपने लोगों ने रोका, जगह जगह पे बहुत सारा प्यार दिया, और जगह जगह पे मेरे को उतार उतार के उन्होंने यही बात कही कि हमारी ये मुसीबतें हैं, उनको नोट कर लीजिए और आगे चल के इसका कुछ करिए। इस रास्ते में आते आते अंधेरा हो गया और मुझे याद आया कि ये एक सैनिक स्कूल जैसा का तैसा वैसा है। साइड में आपका जो बारूद की साइड थी उसकी लाइटें बहुत जोरदार लग रही है, और वो देख के मुझे लगा कि एक फैक्ट्री बहुत दिन पहले दरअसल साहब ने लगाया था, आज कितना चमचमाता हुआ अपना तरह से चेंज कर रहा है। दूसरी तरफ मेरे को बहुत सारी लाइट दिखाई दी, और आपको याद होगा 20-25 साल से हम लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी उस थर्मल पावर प्लांट की, याद है? कभी चिट्ठी लिखना होता था, कभी जाकर धरना देना पड़ता था, कभी बात होती थी, कभी विराम के बाद करने जाता था, और आज पूरा का पूरा थर्मल पावर प्लांट आपके सामने खड़ा हम सबको दिखाई दे रहा है, उसको देख के आज मुझे बहुत खुशी है। मुझे याद है कि महाराज मेरे भाई जब जिंदा थे तब उन्होंने मेरे को यह कहा था कि तुम लोग अपने आप में एक ऐसा काम लेते हो जैसे ये थर्मल पावर और जैसे ये झालावाड़ के अंदर रेल लाइन, ये 20-25 साल का काम है, ये आसानी से होने वाला नहीं है, तो इसमें तुम लोग फंसते क्यों? परंतु आज मुझे विश्वास है अगर वो होते तो उसको मालूम पड़ता कि अपने सरकार के टाइम में इसका पिता कटा और इसका काम चालू हुआ, और अपने सरकार के टाइम में होगा 20-25 साल, परंतु हमने उसको खड़ा करके उससे पावर लेने का काम चालू कर दिया। झालावाड़ के अंदर भी मेल रेल लाइन जो है जिसको 20-25 साल पहले हम लोगों ने शुरू किया था उसका स्टेशन पूरा हो गया है, और कुछ ही दिन में मैं समझती हूँ कि लाइन हो सकता है कि भोपाल तक नहीं जाएगी अभी, परंतु उसके ऊपर रेल चलना शुरू हो गया है। ये दो बड़े बड़े काम अपने लिए हो गए और मुझे उसकी खुशी है। परंतु धौलपुर के अंदर अभी मैं समझती हूँ कि बहुत कुछ करना है। एक सपने का धौलपुर है, परंतु क्या होता है कि हर बार जब सरकार हमारी आती है तो एमएलए उनका होता है, और जब उनकी सरकार होती है तो एमएलए अपना अपना होता है। अब मैं कह रही हूं कि थोड़ा सा इससे फर्क कर दो, इस बार कोशिश करें कि हाँ अपनी सरकार आनी चाहिए, तो अपनी सरकार अगर आती है तो आप लोग अपना एमएलए जरूर हमें देना ताकि हम इस क्षेत्र को मजबूत। बहुत दूर तक, बहुत सके बाड़ी में भी
पानी की जरूरत है, उस लिफ्ट कह रहे हैं कि हमको राम कादर के अंदर पानी डलवा दोगे तो हम लोगों को वहां से मुसीबत नहीं होगी। बचेरी वाले भी कहते हैं कि हम लोगों को पानी मिल जाएगा तो हम लोग बहुत बहुत दुखी हो जाएंगे। और मैं समझती हूँ कि चंबल नदी के किनारे होके हम लोगों को पीने का पानी ना मिले, हमको सिंचाई का पानी ना मिले, इससे और बड़ी मुसीबत की बात और क्या हो सकती है। तो ये सबसे पहले हम लोगों को इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आपको याद होगा कि ये करीबन 150 करोड़ की योजना थी और इन्वायरमेंट क्लियरेंस सरकार के पास भारतीय जनता पार्टी 2006 के अंदर भेजे जाने के बाद वहां लंबित होने का पड़ी है। कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र के अंदर इस योजना को पूरा करने की घोषणा की थी, याद है। परंतु कांग्रेस हमेशा अपने बहुत सारे वायदे करती है, उन वायदों को पूरा करती नहीं है। मैंने देखा कि अभी ये रेल लाइन की भी बात हो रही थी, उसके ऊपर भी गीता का शिलान्यास करके गए, परंतु पत्थर ही पत्थर रहा, बजट के अंदर एक कौड़ी पैसा नहीं आया। और मैं भी समझती हूँ कि वो रेल लाइन आगे वहां कहीं इस साल में या आने वाले इन कांग्रेस के समय के अंदर बढ़ने वाली है। ये सब देखने को मुझे मिला है। धौलपुर शहर के अंदर आज भी दो दो दिन के बाद पानी आता है, क्या ये सही है? और सप्लाई गांव के पीने के पानी की सप्लाई तो अत्यंत ही खराब है, गांव वाले भी सब मुझे यही कह रहे हैं। इसलिए इन चंबल के किनारे अगर हम रहते हैं तो चंबल के पानी का हक हम पे है और हम समझते हैं कि इस पानी को पूरी तरह से उपयोग करने का काम हम लोग करेंगे। इसी के साथ साथ मैंने देखा कि बिजली की व्यवस्था इतना सब कुछ होने की बात भी अपनी सही नहीं है। आप बताओ मुझे, तो मुझे बताया जाता है कि यहाँ करीबन 4 या 6 घंटे किसानों को खेत में बिजली मिलती है, क्या ये सही है? नहीं मिलती देता नहीं। अगर अधिकारी को बोलते हैं तो वो सुनता नहीं।
और जो लाता है वो रिश्वत लेके ही जाता है। बिना रिश्वत के हमारे ये ट्रांसफार्मर नहीं लगते, ये भी सही है ना। लूट मची है, लूट मची है अपने राजस्थान के अंदर, ऊपर से नीचे तक जो काम हो रहा है वो लूट मची है। आपका मुख्यमंत्री अपने परिवार के लिए होटल बना के देता है और कहता है कि इसको प्रूफ कर दो तो मैं चाबी उसको दे दूं। अभी आजकल के जमाने में किसी को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है, सब लोगों को मालूम है कि वो किसका होटल है और उसके साथ साथ खदान दे रखे हैं अपने परिवार के लोगों को, उसके साथ साथ नौकरियां भी अपने परिवार के लोगों को दे रखा है। 13,000 करोड़ रुपया महानरेगा के अंदर पैसा खा के रखा हुआ है। अभी जोधपुर करौली के अंदर नरेगा का मैं पूछते हुए आ रही हूँ तो सब लोगों ने मुझे ये कहा कि नरेगा तो 3 साल से जोधपुर के अंदर चल ही रहा है, ये सही है ना, 3 साल नहीं चल रहा है। आपको मैं बता दूँ कि हम राजस्थान के अंदर अपनी सरकार के काल में जब नरेगा चलाते थे तो उसके अंदर 26 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया और उन्होंने जो बड़ी संपत्तियां बनाई उसकी वजह से राजस्थान को गड्ढे से निकालने का काम और बीमारू प्रदेश से आगे चलने वाले प्रदेश में हम लोगों ने लाके खड़ा किया, तो उन लोगों की वजह से किया क्योंकि उन्होंने परिसंपत्तियां राजस्थान की बनाई और 26 लाख लोगों ने काम करके राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम किया। इसके साथ साथ जो भी मजदूरी करते थे अगर महिला की और उसने 100 दिन कंप्लीट किए तो उसको लुगड़ी या साड़ी मिलती थी, और अगर जो मजदूर था उसको अपने दिन के हिसाब से 100 रुपये मिला करता था। आज अगर पूछो तो जहां कहां अगर नौकरी ये मामले का चल रहा है तो कहीं 30 रुपया तो कहीं 40 रुपया और एक जगह पर तो 1 रुपया, ऐसा भी हम लोगों ने सुना है। मजाक जले के ऊपर नमक छिड़कने की बात है। राजस्थान में जब हमारी सरकार थी तो मनरेगा की वजह से राजस्थान नंबर 1 था पूरे देश के अंदर और आज राजस्थान का नाम नहीं है, 1,25,000 आदमी बस काम कर रहे हैं। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो जिस स्कीम के द्वारा हम लोगों ने अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया था वो स्कीम पूरी तरह से अब ठप हो गई है। 13,000 करोड़ खाने का काम इन लोगों ने किया है और मैं समझती हूँ कि अगर खुद राजा ही खाने लगेगा तो आगे चल के प्रदेश का क्या है, यही है मुसीबत। कोई कोई स्कीम तो और आपको बताने के लिए मैं पूछना चाहूंगी, किसी ने कहा कि 50,000 रुपये मिलते हैं आपको ये मकान बनाने के लिए बीपीएल की, मुझे ये मालूम पता है किसी ने बताया कि 50,000 में से 5-6,000 रुपया तो हम लोगों को रिश्वत में देना पड़ता है, तो रिश्वत में देना पड़ता है करीबन 40-42 रुपये हमारे हाथ में आता है और वो 40-42 हजार का हम क्या बनाएंगे। किसी ने मेरे ये कहा कि 1 रुपये किलो के हिसाब से गेहूं सबको मिलना है, गरीबों को मिलना है, क्या 1 रुपये किलो के हिसाब से गेहूं किसी के पास पहुंचा है, कोई बीपीएल के पास पहुंचा है, किसी एक व्यक्ति के पास पहुंचा है? अगर वो पूरे के पूरे वो बाजार वो भी बाजार में चला गया है, आप देखोगे गेहूं बाजार के अंदर जो जाना चाहिए था वो आज बाजार के अंदर चला गया है और वो गेहूं की क्वालिटी क्या है वो भी आप देख लीजिए। 1 रुपये किलो के हिसाब से जो गेहूं दे रहे थे उसकी क्वालिटी क्या है वो भी आप लोग देख लीजिए। दाल बाजार में 60 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है, राशन की दुकान पे 72-73 रुपये के हिसाब से मिलता है। क्यों भैया राशन की दुकान में इतना फर्क क्यों? गैस का सिलेंडर आराम से मिलता है वहां पर नहीं मिलता? अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में 300 रुपये के हिसाब से आराम से जितने गैस के सिलेंडर ले जाना चाहते थे आप ले जा सकते थे, आज वो सिलेंडर नहीं मिलता है। आप मुझे बताइए पेट्रोल के भाव हम लोगों की सरकार के टाइम में 33 रुपये हुआ करते थे, आज 73 रुपये, डीजल 22 रुपया, आज अच्छा अभी पेट्रोल को 2-3 रुपया उन लोगों ने कम कर दिया है तो आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। वो कहना चाहती है कि देखो कहाँ 33 रुपये और कहाँ 72-73 रुपये,
वहाँ सरकार ने आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान करके 3 रुपए कम कर दिया, तो 70 रुपए के हिसाब से आप पेट्रोल खरीद रहे हो। अभी 100 तक जब तक नहीं जाएगा तब तक आप इसको चला सकते हो, कोई बात नहीं है। डीएपी के भाव क्या हो गए हैं? कहा हम लोगों को 480 रुपए में मिला करता था, आज 1300 रुपए, कितना 1200-1300 वहां तक पहुंच गया है। माताएं बहने मेरे को ये बताओ कि चाय पत्ती कहां से कहां पहुंच गई है, गुड़ कहां से कहां पहुंच गया है, और शक्कर कहां से कहां पहुंच गया है। ये तो घर की रोज की चीजें हैं। ऐसी कमर तोड़ महंगाई हो गई है कि मैं समझती हूँ कि कोई भी घर अपने पैसे नहीं खड़ा हो सकता। सब लोगों को ये लगा हुआ है कि ये महंगाई बढ़ती जाएगी, आदमी पिसता जाएगा, और कुछ ही लोग हैं जो आपकी जिंदगी को आगे चलाते रहेंगे, और वो है आपके 2-4 ऊपर के ये कांग्रेस के नेता। आपको याद है धौलपुर के चुनाव जब अपन पहले लड़ा करते थे तो कैसे लड़े जाते थे? यहाँ वही होता था जो आज कांग्रेस की सरकार पहले भी करती थी और आज भी करती है, सबके बीच में झगड़ा कराओ, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ा दो, एक मजहब को दूसरे मजहब से लड़ा दो, एक दूसरे को लड़ा के किसी एक का वोट ले लो। और जब समय आ जाता है चुनाव का तो बिजली के खंभे ला के पटक दो, बिजली के तार ला के पटक दो, ग्रेवल डाल दो, गिट्टी डाल दो, मिट्टी डाल दो, और ऐसा दिखने दो सबको कि अब तो अभी बनता है वोट। परंतु हम लोग सब जानते हैं क्योंकि 20-25 साल से धौलपुर के अंदर तो ये देखते चले आ रहे हैं कि फिर मेरे को रस्ते पर खंभे गिट्टी मिट्टी सब कुछ देखते हुए देखने को मिला। 6 महीने हो गए हैं, आप लोगों के बीच में आएंगे, फिर आपको धमकाएंगे, आपको लुभाएंगे और आपको ये कहेंगे कि चिंता मत करो, कांग्रेस को वोट दो तो हम पूरे आपके जो भी मुसीबतें हैं वो कुछ ही दिन के अंदर खत्म कर देंगे। और हम जानते हैं कि 55 साल से हम रगड़े जा रहे हैं, अभी तक हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। ये राजस्थान एक प्रदेश है जिस प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 55 साल दिए, 7 साल भैरव सिंह जी के आप निकाल दीजिए, 5 साल मेरे आप निकाल दीजिए, और देख लीजिए कि लगातार 55 साल मिलने के बाद इन्होंने किस तरीके से गड्ढे में प्रदेश को डाल कर रखा है। मध्य प्रदेश आपसे लगा हुआ क्षेत्र है, रोज देखते हो आप मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। 10 साल मिले मध्य प्रदेश को और छत्तीसगढ़ को, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने अपने प्रदेशों को देश के नक्शे के ऊपर ला के रख दिया है। इसी तरीके से गुजरात के मुख्यमंत्री को देख लो, उनको 15 साल मिले और 15 साल के अंदर दुनिया जानती है गुजरात का नाम। और राजस्थान जहां 55 साल में दिए, राजस्थान इसी तरीके से अभी गड्ढे में पड़ा हुआ है। और धौलपुर वासियों, मैं तो ये परिवार के लोग हैं इसलिए मैं कह सकती हूँ, जिस दिन मैं पहले आई थी और जब पहला चुनाव लड़ी थी तो मैंने आपको यही कहा था कि इस घर में मेरी डोली आई है और इस घर से मेरी अस्थि जाएगी। याद है आपको कहा था मैंने? पड़ेगा तो उसका बलिदान करने के लिए हम सब तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं राज करने के लिए नहीं, आप लोगों की सेवा में खड़ा है। और आपने जो अपने प्यार का कर्जा हम लोगों को दिया है, उस प्यार के कर्जे को हम पूरी तरह से उतारने की तैयारी में हैं सेवा करके। और मैं विश्वास बनाना चाहती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि धौलपुर के अंदर किस तरीके की राजनीति हुई और बार बार राजनीति के अंदर ही हम लोग जीते हैं। मैं समझती हूँ कि जब चुनाव का टाइम होता है कि ठीक है राजनीति कर लो, परंतु उसके बाद विकास और प्रगति, ये दो चीज को अपने ध्यान में लेके आप लोगों को करने की जरूरत है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि अब हम लोग नहीं रुक सकते। पूरी दुनिया बढ़ गई है, सब लोगों को नौकरियां मिल गई हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, किसान अपने पैर पर खड़े हो गए हैं, बस हम लोग रह गए। और इसीलिए 36 के 36 कौम सब मजहब हम लोगों को एक परिवार के रूप में मिलकर अपने प्रदेश को अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम अपने को करना चाहिए। मुझे बड़ा दुख है क्योंकि मैंने धौलपुर के शहर के लिए पैसे छोड़े थे और मैंने कोशिश ये की थी कि पूरी जो आपकी बिजली की लाइनें हैं जो ऊपर से जाती हैं उनको अपन नीचे डाल दें। समय निकल गया, हम लोग भी हट गए और वो काम पूरा नहीं हुआ। इतने सारे काम आपके लोगों के हैं
जिनको हम लोगों को पूरा करना है, परंतु हम लोग जब तक अपने हाथ में सरकार नहीं होती है तब तक ये काम नहीं कर सकते। एक व्यक्ति के हाथ में जादू नहीं है, अकेले कोई नहीं कर सकता है, एक मुख्यमंत्री नहीं कर सकता है। जादू तो ये सबके हाथों में है जो यहां बैठे हुए हैं, और अगर ये पूरी शक्ति एक साथ चल पड़ती है तो काम तो अपने होने हैं, कौन इस काम को रोक सकता है? मैं तो नहीं समझती हूं कि कोई रोक पाएगा। इसलिए अपनी शक्ति को आजमा के देखो, ये गलती मत करो, कभी इधर रह गए कभी उधर, हमेशा गलत फैलते ये अपने को नहीं करना है। मैं आप लोगों से आज इतना हाथ जोड़ के वादा करती हूँ कि ये दान इलाका बिल्कुल पिछड़ा रह गया, इस दान इलाके को आगे ले जाने के लिए हम लोग पूरी तरह से मेहनत करेंगे। और पहले मैं तो कहती थी कि उस समय हमारे सब एमएलए अपनी सरकार जब थी तो सब एमएलए उधर के थे। अब मैं कह रही हूँ अगर साथ आप लोग दे देते हो तो इस दान इलाके को आगे बढ़ाने का काम सबसे पहले हम लोग अपने हाथ में है। इस क्षेत्र के साथ साथ अपना यही काम पहले हो, ये आप लोगों को कहना चाहूंगी, आप लोगों का साथ लेना चाहूंगी। और मैं ये विश्वास करूंगी कि आप लोग पीछे नहीं हटेंगे, ये हिम्मत का काम है, आप लोग हिम्मत वाले लोग हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आने वाले समय में जब ये लोग आप लोगों के बीच में आएंगे तो हिम्मत रखोगे क्या? ऐसा तो नहीं कि वहां फिसल जाओ। चलने का काम यह स्थिति में हम ला सकेंगे। हमें तो शर्म आती है जब मैं देखती हूं कि हमारी महिला आप कितनी असुरक्षित है, आज पूरे राजस्थान के अंदर असुरक्षित है। और हमारी महिला घर की बरकत है, जिस दिन हमारी महिला सुरक्षित होती है, जिस दिन हमारी महिला खुश होती है, उस दिन हमारा क्षेत्र खुश हो जाएगा। इसलिए मैं तो खाली दो ही जात मानती हूं, बार बार कहती हूं आपको, महिला जात और पुरुष जात। हम लोग मिलकर ये दोनों जातियों के साथ लेकर काम करेंगे तो धौलपुर आगे बढ़ेगा, राजस्थान आगे बढ़ेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जोरदार नारा मेरे साथ मिलकर आप लोग देंगे, भारतीय जनता पार्टी जोर से, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और एक जोरदार नारा, जय जय राजस्थान, पाट के दूर एक नया राजस्थान, एक राजस्थान जो सपने में हमने देखा है, एक राजस्थान जिसमें हमारे नौजवानों को नौकरी सही समय पे मिले। हम लोगों ने अपने टाइम में 5 साल के अंदर 10 लाख नौकरियों का इंतजाम किया था, आगे चलते भी हमारे नौजवानों की नौकरी का इंतजाम, हमारे किसान मजबूत हो ऐसा इंतजाम, हमारी महिलाएं खुश हो ऐसा इंतजाम, एक नया राजस्थान जिसमें हम लोग सब मिलकर चले, यही विश्वास करते हुए आप लोग सबको बहुत सारा प्यार और बहुत सारा अपन इस काम में लगेंगे। जय जय